जहां मैं पंडाल में लोगों को देख रहा हूं, वहीं पंडाल के बाहर भी इस तपती हुई दोपहरी में जहां बाईं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, दूर गाड़ियों के पीछे भी अपने सर को दोपहरी में तपती धूप से गमछे से बचाते हुए, और इधर भी दूर दूर तक हमें ये जन सैलाब दिखाई दे रहा है। और ये जन सैलाब ऐलान कर रहा है कि इस बार अयोध्या ने आशीर्वाद हमारी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद जी को दे दिया है। और सच्चाई ये है कि हमारी पार्टी के प्रिय नेता जीतने नहीं जा रहे हैं, जीत चुके हैं। इसलिए हम अपने सभी साथियों से निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां अयोध्या का संदेश पूरे देश और दुनिया में जाता है, मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक धरती का, अयोध्या जो सौहार्द के लिए पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है, उस धरती का मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ जो शांति का, करुणा का, भाईचारे का, मिलीजुली संस्कृति का, गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देती है, उस अयोध्या धरती को भी मैं नमन नमन करता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले भी अयोध्या लोकसभा के इसी क्षेत्र में जो बाराबंकी की सीमा पर है, वहां पर मैं आया था। जितना हमें जोश यहां दिखाई दे रहा है, जितना उत्साह यहां दिखाई दे रहा है, उससे कम जोश और उत्साह वहां पर नहीं था। अगर एक सीमा अयोध्या की यहां है, दूसरी इधर दिखाई दे रही है, तो ये लाखों वोटों से नहीं, ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। जहां समाजवादी पार्टी ने हमारा सबने मिलकर के संतुलन बनाया है, सामाजिक दृष्टिकोण से सबको साथ लेके चलने का काम किया है, वहीं हम लोगों ने सबने मिलकर के अयोध्या लोकसभा का अंकगणित भी ठीक किया है। और ये जो हमारा जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। जो लोग कहते थे कि संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार अयोध्या निवासी उनको हरा करके और जमानत जब्त करने का काम करेंगे। जो लोग संविधान बदलने को निकले थे, उनको इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और इस देश की एकता को और आगे बढ़ाने वाले लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। और सुना है अब 400 पार का नारा भूल गए हैं। ये 400 पार का जो नारा था, वो हमें बाद में समझ में आया, ये 400 पार का मतलब क्या, 400 सीटें तो हम लोग जीत रहे हैं, विपक्ष के लोग,
और 400 के बाद जो बची हैं सीटें 143 ही जीत रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो लोग कह रहे थे 400 पार सीटें जीतेंगे तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543। और 400 पार के बाद कितनी बची? 143। लेकिन इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है पहले चरण से, बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, आप देख लेना जब सातवें चरण में चुनाव पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा सातवें आसमान पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। इन्होंने धोखा दिया सबको, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारा किसान भाई जो सबसे सीधा है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, किसान गरीब गांव में रहने वाला अपनी तमाम तकलीफ परेशानियों को सामना करने के बाद भी अपनी खेतीबाड़ी करता है, खेत पे दिन रात मेहनत करता, खून पसीना बहाता, उसे भरोसा दिलाया था कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले सभी परिवार के हमारे सदस्य, बताओ 10 साल में किसी की किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कहीं आय दोगुनी नहीं हुई। और ये सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है और हमारे किसान की हर चीज लागत लगातार बढ़ाई जा रही है। खाद महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई और हमारे किसानों को इन्होंने धोखा देने का काम किया। हमारे भोले भाले किसान की बोरी से चोरी कर ली। हमारे सीधे साधा किसान, गांव में रहने वाले लोग, जब इन्होंने खाद की बोरी दी तो उसमें से चोरी कर ली, पहले 5 किलो फिर 5 किलो, तो बताओ बोरी कितने किलो की रह गई? 10 किलो चोरी कर दी इन्होंने। न केवल 10 किलो चोरी की, हमारा किसान जानता होगा इन बीजेपी वालों ने डीएपी तभी दी जब किसान को इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। नैनो यूरिया खरीदवाई और कहा कि पैदावार बढ़ जाएगी। किसान ने अपनी खेतीबाड़ी में नैनो यूरिया डाली, बताओ पैदावार बढ़ गई क्या नैनो यूरिया से? कोई लाभ पहुंच गया नैनो यूरिया से? इस जिले में तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, इसी क्षेत्र में यहीं पर है। हमारे किसान भाइयों, कभी जाना जो साइंटिस्ट बैठते होंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछिएगा कि बताइए डीएपी हमें तभी दी जब नैनो यूरिया हमसे खरीदवा ली, और जो नैनो यूरिया हम लोगों ने खेतों में डाली है क्या इससे कभी पैदावार बढ़ेगी? और सुनने में तो ये आया है जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, वैसे ही नैनो यूरिया वाला भी भारत छोड़ करके भाग गया।